श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी कराकर जौनपुर ऑनलाइन कक्षा में बच्चों आपका स्वागत है। कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान। अगले दिन भी हम पढ़े थे निषेचन, उसके बाद पढ़े निषेचन पश्च संरचना एवं घटनाएँ, उसके बाद भ्रूणपोष। भ्रूणपोष क्या है? भ्रूणपोष एक एक पोषक पोषक ऊतक है पोषक ऊतक है जिसका निर्माण पुष्पीय पादपों में निषेचन के पश्चात होता है। भ्रूणपोष भ्रूण के विकास व बीज अंकुरण के समय उपयोग में आता है। यह है भ्रूणपोष। भ्रूणपोष एक पोषक ऊतक है। भ्रूणपोष जो पोषक पदार्थ भ्रूण, जब भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो जो है उस छोटे से भ्रूण के लिए एक पोषक शक्ति भोजन चाहिए, पोषक ऊतक है जिसका निर्माण, यानी भ्रूण के पोषक का निर्माण कहाँ से होता है वही लिखा है, जिसका निर्माण पुष्पीय पादपों में निषेचन के पश्चात होता है। निषेचन होने के बाद तब इसमें भ्रूण के पोष भोजन पोष का विकास होता है, वही लिखा है निषेचन के पश्चात। निषेचन होने के बाद होता है भ्रूणपोष भ्रूण के विकास। जब भ्रूण बड़ा हो रहे होते हैं, विकसित हो रहे होते हैं, भ्रूण के विकास के समय वह बीज अंकुरण के समय, वह बीज जब अंकुरित हो रहे होते हैं तो उसी समय इनको भोजन पोषण पोषक पदार्थ चाहिए, वही है विकास व बीज अंकुरण के समय उपयोग में आता है। क्या चीज? भ्रूणपोष। उसके बाद है पहला नंबर है इसी में
उसके बाद है आवृत बीजी पादपों में, आवृत बीजी पादपों में विकास के आधार पर भ्रूणपोष निम्न प्रकार के होते हैं। उसके बाद पाला नंबर हेडिंग है केंद्रकीय भ्रूणपोष, केंद्रकीय भ्रूणपोष इसमें पहला नंबर है। इस प्रकार के भ्रूणपोष में केंद्रक की केंद्रक विभाजित होता है। लेकिन कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से असूत्री विभाजन द्वारा अनेक केंद्रकों का निर्माण होता है।
निर्माण होता है। इसमें कह रहा है केंद्रकीय भ्रूणकोष, इस प्रकार के भ्रूणकोष में केंद्रक विभाजित होता है। ए है प्राक प्राक भ्रूण प्राक भ्रूण यह केंद्रकीय रसधानी केंद्रकीय रसधानी रसधानी ये है चित्र ए वाला है केंद्रकीय भ्रूणकोष। केंद्रकीय भ्रूणकोष कह रहा है इस प्रकार के भ्रूणकोष में केंद्रक विभाजित होता है लेकिन कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। प्राथमिक भ्रूणकोष के ये पहला नंबर है, प्राथमिक भ्रूणकोष केंद्रक में असूत्री विभाजन द्वारा अनेक केंद्रकों का निर्माण होता है, अनेक केंद्रकों का निर्माण होता है। उसके बाद दूसरा नंबर है इसमें पहला नंबर है ये दूसरा नंबर है भ्रूणकोष के मध्य में भ्रूणकोष के मध्य में एक केंद्रीय रिक्तिका के मध्य में एक केंद्रीय केंद्रीय रिक्तिका केंद्रीय रिक्तिका बन जाती है। बन जाती है जो बाद में समाप्त हो जाती है। दूसरा नंबर है भ्रूणकोष के मध्य में, इसमें भ्रूणकोष के मध्य में एक केंद्रीय रिक्तिका का निर्माण होता है, केंद्रीय रिक्तिका बन जाती है जो बाद में समाप्त हो जाती है।
और बहुत से केंद्रक व कोशिका द्रव्य इसमें भर जाते हैं। यही दूसरा नंबर है, भ्रूणकोष के मध्य में एक केंद्रीय रिक्तिका बन जाती है जो बाद में समाप्त हो जाती है और बहुत से केंद्रक व कोशिका द्रव्य इसके अंदर भर जाते हैं। ये है आपका केंद्रकीय भ्रूणकोष।